शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। दोषी को दंड देना एक राजा का कर्तव्य होता है और वचन निभाना राजवंशी का धर्म। और आज हम इन्हीं दोनों बातों को सोचते हुए और अपने वचन को निभाते हुए दोषी को मृत्यु दंड से आजाद करते हैं और उसे देश निकाले की सजा देते हैं, अर्थात दोषी को हमेशा हमेशा के लिए हमारे राज्य से चले जाना होगा। धन्यवाद राजा साहब। मेरा ख्याल रखना, नानी से मिलना, मेरी माँ की तस्वीर को यहाँ लेकर आना, मुझे उस जादूगर से बचाना। क्यों? हम ये सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तुम पत्नी हो हमारी। आज से तुम हमारी पत्नी नहीं, हमारी अच्छी मित्र भी हो, सबसे अच्छी। सारे साक्ष्यों को ध्यान में रखकर हम दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाते हैं। दोषी को हमेशा हमेशा के लिए हमारे राज्य से चले जाना होगा। गले लगाकर अलविदा कहने का मौका भी नहीं दिया आधी रात। मैं ये राजसिया कहने लौटाने आई हूँ अधिक। राजा साहब, मैं जानती हूँ मुझे अब आपसे कुछ भी मांगने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी मैं ये मंगलसूत्र
अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अब ये मेरे मृत्यु के बाद ही मुझसे अलग होगा। मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, भोजन समय से कर दीजिएगा, क्रोध थोड़ा कम। और एक बात, आप मुझसे प्रेम करे या ना करे, पर कभी मुझसे घृणा मत कीजिएगा। प्रणाम डाकुर, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। सुनैना अधिराज के जीवन से दूर जा रही, अब हमारे लिए अधिराज को मारना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हमें आपकी इस विजय पे बहुत खुशी हो रही है माँ, बस अधिराज के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। बेचारा, पहले उसने उसे खोया जिसे वो अपनी माँ समझता था, और फिर अपनी पत्नी को, और अब अपना जीवन खोने जा रहा है। दूसरों के लिए दुखी होना बंद कर दीजिए, अपने आप के लिए खुश हो जाइए। आप इस महल के राजा बनने वाले हैं, और हम बनेंगे परम शक्तिशाली महानिशाकिनी। अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, हम आज रात ही अधिराज को खत्म करके अपना सपना पूरा कर देंगे। बेचारी सुने, उसे अपने सुहाग को छोड़कर जाना पड़ रहा है, अब उसकी सुहाग को कौन बचाएगा? दीदी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ रहोगी। नहीं, मुझे राजा साहब के निर्णय का सम्मान करना होगा। उनकी पत्नी होने का दर्द और प्रजा होने का कर्तव्य निभाना होगा। ठीक है बेटा, तू अगर यहाँ नहीं रह सकती, हम तो तेरे साथ जा सकते हैं ना? नहीं नानी, सजा सिर्फ मुझे मिली है, तो उसे काटूंगी भी सिर्फ मैं। मेरे साथ साथ आप लोगों को कष्ट नहीं दूंगी। कारा, नानी का ख्याल रखना। लेकिन बेटे, अकेले तुम कहाँ जाओगे? चाहो अंबे माले चले,